आज के न्यूज सेगमेंट में फिर से आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है थोर से रिलेटेड। इन सीक्रेट वॉर से पहले हमें एक और थोर फिल्म देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी चीज थोर लव एंड थंडर में ऑडियंसेस की इतनी गालियां सुनने के बाद भी इस फिल्म को ताइका वाटिटी डायरेक्ट करने वाले हैं। और अभी लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है कि इस मूवी का विलन हेला से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा हुआ उन्होंने गॉड द गॉड बुचर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ क्या किया था मूवी में। खैर आते हैं अगले खबर की तरफ। ब्लू बीटल ने जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वर्ल्ड वाइड 43 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जो कि 105 मिलियन डॉलर के बजट में बनी मूवी के लिए 5 डेज के कलेक्शन के हिसाब से काफी ठीक ठाक है। और इस बीच जेम्स गन ने ये भी बोल दिया है कि रिबूटेड डीसी यूनिवर्स में भी ब्लू बीटल का कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, जिसे जोलो मारिजुआना ही प्ले करेंगे। चलो कोई कैरेक्टर तो पुराने डीसी से रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज के अकॉर्डिंग मार्वल के सीक्रेट इन्वेजन ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया है जिसे एमसीयू वाले कभी याद नहीं करना चाहेंगे। जी हां, सीक्रेट इन्वेजन पहली ऐसी सीरीज बन गई है जिसे ना तो क्रिटिक ने ही पसंद किया है और ना ही ऑडियंसेस ने, मतलब दोनों की रेटिंग इस शो के लिए बिल्कुल ही वाहियात रही। अब बात करते हैं लास्ट बट एक इंटरेस्टिंग न्यूज की। कहा जा रहा है कि जॉन क्रिंस्की को डीसी यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए साइन कर लिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जिसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मैगी रीड रिचर्ड का रोल प्ले किया था। हालांकि एमसीयू ने इस बात को क्लेरिफाई कर दिया है कि फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए किसी फ्रेश चेहरे को ही हायर किया जाएगा। तो शायद उसी लिए क्रिंस्की ने हवा का रुख देख लिया और डीसी की तरफ चले आया। खैर ये न्यूज और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रूमर्स की माने तो उनके लिए जो रोल निकाला गया है वो बैटमैन का हो सकता है। सीरियसली, मतलब पहली बॉल पे छक्का। वैसे ये चीज तो समय आने पे ही कंफर्म हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर नए बैटमैन के लिए परफेक्ट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।